फुरकान अंसारी पहुंचे बसंतराय। बसंतराय में साथ में दिखे घटक दल के नेता। फुरकान अंसारी के बयान ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। संवाददाता से बात के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे और महागठबंधन के साथ हैं। हालांकि उन्होंने कहीं अपने बयान में ये भी कहा है कि वो महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के नामांकन में मौजूद नहीं रहेंगे। मालूम हो कि फुरकान अंसारी इस चुनाव में सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनकी हर गतिविधि पर सबकी नज़र रहती है। हालांकि आज इनके इस हसमुख अंदाज से भाजपा को भगाने की बात करते देख सभी अटकलें अब समाप्त हो गई हैं। आपने कुछ दिन पूर्व यहां गोड्डा लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा खरीदा और सुनने में आया कि आप कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले हैं। कौन कह दिया आपको? सुनने में आया पेपर के माध्यम से कि आप जो है बागी होने वाले हैं। बहुत गलत सुन लिया आपने जी। तो उसके बाद अचानक से फिर जो है यू टर्न नामांकन नहीं कराने की बात सामने आई, तो क्या समझे? नहीं, आप गलत सुन ही रहे हैं शुरू से, हम क्या बताएं आप जी। लेकिन नामांकन पर्चा तो आपने खरीदे सर? खरीदा, अभी ले लीजिए, जाके मिलेगा 2500 रुपये में। नहीं तो फिर उसके बाद फिर सर चुनाव नहीं लड़ने का और उसके पूर्व चुनाव लड़ने की बात? जब तक हमारा पार्टी में जब तक हमको नकार नहीं देगा कि नहीं अब नहीं मिलना है, तब तक तो हम रखेंगे अपने पास पर्चा जी। जब कह देगा कि नहीं अब नहीं रखना है, अब लड़ना नहीं है, छोड़ देंगे। तो क्या सर आप महागठबंधन के साथ हैं? महागठबंधन के हम लोग है, बोलना क्या है जी। तो सर आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को हटा देना है जी, ये हम लोग का लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी को हटाना जी। ठीक है, बीजेपी को हटा देंगे, नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। मेन उद्देश्य हम लोग का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देना, ये हमारा लक्ष्य। तो फिर प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी किनकी होगी सर नरेंद्र मोदी के अलावा? सब लोग हमारा एमपी जीत के जाएगा, चयन कर लेगा जी। फिर भी एक तो ऐसा होगा ना सर मन में कि यही प्रधानमंत्री बने? नहीं, यूपीए की सरकार आपको याद होगा, आप अभी कब से पत्रकारिता कर रहे हो? जी सर 2 साल से। 2 साल से? 2004 को याद करो जी। सारे एमपी जब यूपीए के सारे यूपीए के एमपी जब जीत के गया दिल्ली में, तो वहाँ बैठ करके हम लोगों ने मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज किया, जबकि सोनिया गांधी का नाम आ रहा था जी। लेकिन सबों ने तय किया कि नहीं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक, इसी तरह अभी जीत के जब यूपीए के लोग जाएंगे तो वो तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एमपी तय करेगा, ना कि बीजेपी वाला करेंगे और ना कोई दूसरा पार्टी करेगा।